सेल्फ पंकज प्रसून एंड आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एग्जाम्स के स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जैसे एग्जाम्स का डेट आता है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस फील करते हैं। इसके लिए आज मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्स स्ट्रेस को दूर किया जाएगा। सबसे पहली बात कि ये होता क्यों है, एग्जाम्स स्ट्रेस आखिर होता क्यों है। आप चाहे कितने भी पॉजिटिव माइंड सेट हो बट ये आने लगता है स्ट्रेस, तो उसका रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल से एग्जाम्पल देकर। कि जैसे हम फैन को देखते हैं, अगर फैन कोई ऑफ है उसमें थ्री विंग्स होते हैं, हमें वो थ्री विंग्स दिखाई देता है, यानी तीनों डायना हम देख सकते हैं जब वो फैन ऑफ होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि उस टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी और उस फैन की फ्रीक्वेंसी वो समान होती है, बट जब वो फैन चलने लगता है यानी जब वो फैन को रोटेट किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो उसके डायना को हम नहीं देख सकते, क्योंकि उस टाइम क्या होती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और उस फैन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। तो इनके कहने का मतलब ये कि जैसे एग्जाम्स का डेट आता है हमारे अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। नेगेटिव यानी कहने का मतलब हमारी जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस फील होता है, और इस स्ट्रेस के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। तो इसके लिए आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आखिर करें क्या अगर एग्जाम्स स्ट्रेस आ रहे हैं, तो क्योंकि आप वॉरिड करते हो, आई नो वेरी वेल, सारे बच्चे वॉरिड करते हैं कि परेशान होते हैं और काफी ज्यादा डीपली सोचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण और भी निगेटिव एनर्जी रेडिएट होने लगता है उनके बॉडी में। तो उसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको उपाय बताऊंगा कि जो टाइम आप उसको सोचते हो उस टाइम में आप स्टडी करना शुरू कर दो। सबसे पहला पॉइंट क्या करना चाहिए वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आप अपने आसपास काफी ज्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट को रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काफी ज्यादा बिलीव करें, क्योंकि आपका बिलीव ही सबसे बड़ा चीज है इस चीज के लिए, इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप कॉन्फिडेंटेड रहें। और थर्ड पॉइंट है आपकी हैप्पीनेस, क्योंकि जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे आप किसी चीज को गेन नहीं कर सकते, क्योंकि निगेटिव चीजें ना हमारे अंदर कोई भी चीज सोचने की क्षमता को कम कर देता है, सोचने और समझने की क्षमता को निगेटिव थॉट्स कमजोर कर देता है। तो इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन तीनों चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला मैंने बताया आपको क्या, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेकंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और थर्ड जो है आपकी हैप्पीनेस, क्योंकि आप जितना हैप्पी फील करोगे आप उतना ही अच्छा पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।